यार कैसा लग रहा हो तुम्हें इतने जा लग रही कहते ही बने रहा लेकिन इतना तरह की वजह नौ डाम है डरो जो रोड भी बसा रहा हो तुम अकल ठाकुर जी की भगवान की समझ नौ डरो ना दीदी के लाने एक अलग से बस्ती बनाई जा बस्ती एक कंट्री कंट्री ये बनवा दो एक देश अलग से बनवा दो। हेलो गाइज गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। तो सभी को राधे राधे। आई होप गाइज आप सभी बढ़िया होंगे। राधे राधे गुड मॉर्निंग। राधे राधे। ये काय की बाजी काट रहे हो? मम्मी कुआ पसल आई मेथी की है। गाइज अपना आ चुका है लंच। आलू टमाटर मटर की सब्जी है और रायता है और देखो चावल भी है और रोटी है। ये आलू का हलवा भी बना है। तो चलो करते हैं अपना लंच। देखो कितना सारा खाने को दे दिया है साधना ने और फिर कहती है पेट निकल रहा पेट निकल रहा। वाह मड़ी वाह। तो जो घर में बनो वही तो दे रहा है। तो थोड़ा थोड़ा देगा तुम उमे से तनक तनक खा लो। जरूरी है कि पूरा पूरा खाओ। देख के सबरो ही खावे को मन करत जैसे ही जो ये थोड़ा थोड़ा दऊ करे। ठीक है कल से कम में जी घबरा रहा हूँ। इसका जी इसलिए घबराने लगा अभी हम लोग जा रहे हैं कार से ओरछा। तो साधना को देखो कार में बैठने से पहले जी घबराने लगता है। सनरूफ खोल के चलें। ठीक है तुम सनरूफ पे ऊपर खड़े रहियो आराम से। ठीक है देखें तो लेते कितने खोलत। चलो उठ जाओ अब। काय को उठ जाओ मैं तो जगह मोई राम राजा मर ही जाओ मैं। काय पागल हो का कि तुम जावे की जितनी खुशी नहीं होती उससे पहले गाड़ी की सुन ले जोर वो होते मैं बिल्कुल भी खुश नहीं रहता मैं कि तुम जावे। अरे सनरूफ खोल दो भैया कांच खोल दो आराम से हवा ले जाइयो। ठीक है चलो लगता है हमारे जीव से पूछो हमें कैसा लगा था। देखो गाइस मैं तो तैयार हो गया हूँ। मम्मी हो गई तैयार? जब घर ही वाली साड़ी पहन ली क्या उधार तो घरे पहने देखो आपको। चलो तो मम्मी भी हो गई तैयार। साधना तुम भी हो गई तैयार? साधना तो उदास हो गई गाड़ी को नाव सुन के कार से जाना। देखो मैंने कार निकाल ली है। कार कितनी गंदी हो गई धुलवाना है इसको। ये लोग आ गए हैं ये लोग भी बैठ गए अच्छे से। चलो ठीक है सनरूफ खोले दे रहा फिर नहीं आएगी उल्टी। देखो मैं खोल दे रहा हूँ सनरूफ। लो देखो ये खुल गया सनरूफ। सुनो उल्टी उल्टी आए तो ऊपर खड़े हो जाइए हवा लग जाए आराम से। ठीक है ये देखो घूंघट में सलोनी बैठी मम्मी बैठी गई आगे कोई नहीं है। राहुल से पूछा तो राहुल आए नहीं। चलो हम लोग चारों ही चलते हैं। तो आज हम लोग घूमने वाले हैं शीश महल और आप लोगों को भी घुमाएंगे शीश महल। तो चलो चलते हैं लेट्स गो। अभी हम लोग आ चुके हैं शीश महल। वहां मैंने गाड़ी पार्क कर दी है कुछ देर के लिए। यहाँ से लेते हैं टिकट। यहाँ पे ऑनलाइन पे होगा नहीं मैं कैश लिए नहीं हूँ। आप कैसे का करेंगे का मम्मी का जी जी मम्मी के पास मम्मी लाए पैसा ओ भाई साहब मम्मी ने पैसा दे दिया है वेरी गुड। चलो गाइज 50 रुपए का टिकट आता है यहाँ पे एक। गाइज ये ले लिए टिकट ये 4 टिकट आए 200 रुपए के और हम लोगों ने कार यहाँ पे पार्क कर दी है। तो चलो अब चलते हैं शीश महल। शीश महल आपने आज से पहले कहूँ घूमो तुम आ चुके हो शीश महल? क्यों हुआ मम्मी फर्स्ट टाइम आएंगी और सलोनी फर्स्ट टाइम आएगी हमारे साथ। ले मम्मी टिकट पैसा ले लो। ये गेट है मेन शीश महल का। यहाँ से जाके चले गए बनवा बनवा के घूमा। एक दिन तुम भी चली जो बनवा बनवा के। हम कछु बनवा ही नहीं रहे हैं कछु नहीं बनवाना काय को बनवाओ कछु संगे कछु जाता ही नहीं है जोर जोर के मर जाओ। इससे अच्छी अपनी शौकें पूरी कर लो। काय बाल बच्चे के लाने नहीं बनवाओ अपने बाल बच्चे को कौन ठेका लाए खुद करे। ये भी शीश महल है इस साइड से। ये है सामने शीश महल। तो इसके अंदर जाने का ये टिकट लगता है। तो टिकट हम लोग ले चुके हैं ऑलरेडी। ये शीश महल होटल भी है यहाँ पे। तो देखो ये आ रही हैं और तो चलो अब चलते हैं शीश महल के अंदर। देखो हम लोग शीश महल के अंदर आ गए हैं और कितने ज्यादा कमरे हैं इसके अंदर। ये पता नहीं क्या फव्वारा टाइप का बना होगा। पहले काफी भीड़ है स्कूल के बच्चे आए हैं। ये लोग देखो अभी थक गए इतने जल्दी यहाँ बैठ गए बड़े बब्बा। हाँ वहाँ हनुमान जी भी है। 500 साल पुराना है ये किला। कितनी अच्छी अच्छी डिजाइन बनी कितनी प्यारी प्यारी डिजाइन बनी है। ये पहले की कलाकारी है अब तो बनी नहीं सकता है ऐसा कुछ। पहले तो ना मशीन चलती पत्थर काट हुए की ना पता नहीं कैसे इतनी कलाकारी ले आती है। पूरा पत्थर ही पत्थर बनाया होगा बिल्कुल। सही कह रहे हैं। देखो ये लोग घूमने की जगह ये लोग तो आगे एक जगह बैठ गए घूम का नहीं रहे। चलो चलो थक गए कल मुँह से कह रही थी बूढ़े 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 अब खुद हो गई हो तुम बूढ़ी। ठीक है इतने जल्दी थक गई ट्रैक्टर लेना पड़े और ट्रॉली ट्रॉली में बैठा के ले आए साधना को। फिर ये किला ना बहुत बड़ा किला है। इतना तो देखो यहाँ पे तो ये है ही साथ साथ में इससे जाओ ना बाहर बाहर और भी बहुत बड़ा किला है। देखो यहाँ से जाएंगे बाहर इस साइड से। दो तीन दिन से लगा होते अपन
गड़कुंडा नहीं गड़कुंडा पता हम नहीं के पाते। हाँ उतरे लेकिन अब यहाँ से हम लोग निकल आएंगे सीधे बाहर ये गेट से। यहाँ देखो कितना प्यारा लगता है इस तरफ। ये देखो गाइस यहाँ पे चल रहा है काम, यहाँ पे कुछ बन रहा है गार्डन वार्डन टाइप का बैठने के लिए। तो हम लोग आ चुके हैं किले के बैक साइड पे और ये देखो ये है किला बैक तरफ से। इस किले को हो चुके हैं 500 साल। बताओ मम्मी 500 साल हो गए, 500 साल में आदमी की हड्डी नहीं बचती है। जो किलो दो कैसे अच्छो बनो ना, अच्छो बनो ना पत्थर से सुबनो ये मजबूती से कहो जिंदे ने बनाए थे नहीं ऐसा किए थे, लेकिन मेरे हिसाब से तो नहीं आदमी ही बनाते पहले के। मम्मी लोग बोलती है कि मतलब पहले जिंद बना देते थे, लेकिन मेरे हिसाब से तो पहले के मजदूर ही बनाते थे। आप लोग कमेंट करके बताना दिन काम करा था। है करे गए थे से हम डडड़ाए तो एक आध हाथ टूट गया हमारा। हाथ नहीं टूट जे सब ही टूट जे हो और दूर को हो जाओ, नहीं तो सही में घर पर दूर को हो जाओ। यही चक्कर आ रहा है। इस देखो वहां पे एक भैंस चल रही है, ये भैंस चल रही है। चलो नहीं कैरी गधा चल रहा हो कि पर भैंसा है सुनने की भैंसा कैरी चलो धल्ले चले ये घर है। कितने चलने का अपने घर है तो, दीदी घूरी भैंस को दूध अच्छा लगता है। काय दीदी भूरी भैंस को दूध अच्छा स्वादिष्ट रहता है। हां जे कहीं घरे ले चली है भैंस इतनी तो बनी जो खुआ लोग नहीं हो तो खुआ नहीं पानी चले जा रही ना से कौन की भैंस हुई है वो फिर लट्ठी लट्ठे दे तो हमारा में के हमें भैंस चुरा रही हैं। गाइस वैसे तो बहुत बड़ा है ये सीज महल, थोड़ा बहुत हम लोगों ने घूम लिया और अभी हम लोगों को जाना है सिंहपुरा हनुमान जी के मंदिर। तो चलो अब चलते हैं। अभी हम जिसके अंदर गए थे वो था रानी महल जिसको बोलते हैं सीज महल। अभी हम लोग जा रहे हैं देखो ये है राजा महल, ये बना हुआ है राजा महल, ये है इसका इतिहास तो आप लोग पढ़ लीजिए। ये है राजा महल। मुझे ऐसा लग रहा है कि राजा महल ये बेकार सा बना और रानी का महल अच्छा बना, ऐसा क्यों भाई? और तो ज्यादा होशियार नहीं होते हम जैसे मम्मी आपको नहीं लगा रानी महल अच्छा लगोगी जो राजा महल? रानी महल ज्यादा अच्छा लगा। राजा रानी को अलग अलग महल है तो मम्मी पापा ने तो बनवाओ ही नहीं है अलग। उस तरफ के दो कमरा है वे है पापा के, जो इतर पर ऊपर रहे वे है मम्मी को। सही है। अरे ये सो है कि जैसे जो राजा को महल उज्जे हाँ। वो रानी को उज्जे तो उतर की रानी उज्जे थे की राजा उज्जे। सर्दियों का टाइम है तो इंसान को घूमने फिरने में अच्छा लगता है क्योंकि धूप भी लगती है, ठीक है ना। गर्मियों में इतना नहीं घूम पाता है इंसान, इसलिए भीड़ है। देन नई साल आने वाली है इसलिए लोग घूमने निकल रहे हैं घर से, इसलिए भीड़ है। हाँ इसलिए ज्यादा भीड़ है। जमीन में से पानी आ रहा है, चलो पाइप होगा वहाँ। सो चलो गाइस अब चलते हैं सिंहपुरा हनुमान जी के मंदिर। थक गए गए आगो बुढ़ापो, कल मुंह से बड़ी कह रही थी बूढ़ा 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 बूढ़ा। मेरे पेट कड़का लेकिन मैं फिर भी इतना घूम फिर ले। तुम सोचो तुम तो पेट भी नहीं कड़ा फिर भी तुमने एक में थक जाओ। असली बूढ़ी तो तुम हो गई हो। कहा सलोनी सही नहीं कह रहे है? नहीं वैसी बुढ़ापो नहीं आओ। हाँ। अभी गाड़ी को देख के बुढ़ापो आ गो है, डॉक्टर को दिखा दे है। चलो जी घबरा जो का उल्टो सिस्टम है पूरा है। जे अपने जे तो बांध ले आओ जे का है जे रस्सी काड़े फिर रहा घोड़ा जैसी लगाम। अरे वे तो टाइट करे भी गिराने। हाँ तो भीता कर लो। आजा भाग जाओ, चलो आ जाओ अब जल्दी बैठो। अब हम उन्हें जा रहे हैं मंदिर पे, हमें हो रही थी उल्टी तो हम बाहर निकले हैं। देखो क्या मस्त सीन है नदी को। देखो साधना आगे बैठी है पीपल लगाए मुंह पे ये देखो, और मम्मी और सलोनी बड़ी आराम से बैठी हुई, उनको कौन लेने देना नहीं है उल्टी से। कहा उल्टी हाथ तुम्हें उनको नहीं आता। कार हमने यहाँ पे पार्क कर दी है और देखो हम लोग आ चुके हैं मंदिर। इस मंदिर पे हमने हनुमान जी के दर्शन कर लिए हैं और गुरुजी की अभी है तबीयत खराब तो गुरुजी तो अभी मिले नहीं। सो चलो अब चलते हैं घर पे। आ जाइए लिफ्ट चाहिए आपको। तुम्हारी गाड़ी बसात तो नहीं है? हमें मुझे बसाते ही गाड़ी नहीं बसाते ही। तो नहीं बैठने जाओ। तो मुझे तो नहीं बसात। नहीं मोह बसा तो नहीं बैठा रहे हम गाड़ी। नहीं बसा आता ही। तो चलो भाग जा। ओ गणासी छोटू भगवाना ओ छुट्टे। तो गाइस देखो यहाँ से मंदिर जाने का रास्ता है और यहाँ से सलोनी के घर का रास्ता। सलोनी चली जाओ अपने घर है।
हाँ हमारे तो अपने घर जा रहे, तुम चली जाओ अपने घर। हाँ देखो ये भाई तो जा रहे हैं, इनके संगे चली जाओ, लिफ्ट ले दे देंगे तो। हैं राम 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 राम। चलो तो गाय चलते हैं घर पे। गाय अभी फिलहाल हम लोग रुके हैं ओरछा के, ये बड़ा वाला पुल बन गया ना यहाँ पर, और देखो यहाँ से कितना प्यारा लग रहा है। ए ए कहाँ चढ़ रहा है, देखो ये गाइस देखो, मम्मी देखो तुम्हारी बहू को, होता देखो सलोनी को ब्लॉग बन रहा, सलोनी ब्लॉग बना रहे कि ऐसी वीडियो बना रहे, ऐसी वीडियो बना रहे ये तो अपने फोन के लाने, कितना प्यारा लग रहा गाइस देखो, इतने बेहतरीन एक नंबर। जा कह रहे जब भैसन जैसी पहाड़ काय को बनी, जब भैसन जैसी पहाड़ नहीं बनी, जब पैदल चले वाले इनके लाने बनी जा, इतने आओ आदमी बढ़िया आराम से इतने पैदल चले जाए, इतने से कार चली जाए। मोटरसाइकिल के जाए, मोटरसाइकिल भी तेज से जाए, तुमने जा कहीं ना कहीं तैसे आदमी जाए तैसे कार जाए, तो हमने की मोटरसाइकिल बाइक कितना जाए बेचारा मुड़ी पैसे। तुम अकोल कोनो बीड़ी पी रहा हो, तो पी रहा हो ये तक कितने जने तो हैंगे, देखो इतने हैंगे जा साइड, जा साइड भी कितने जने हैंगे, तो पी रहा हो ये कोनो बीड़ी, तो मैं बीड़ी की बदबू आ रही। ये नाव है देखो, मम्मी चल रहे नाव में, नहीं भीजते नाव में चल रहे, बताओ यार कैसा लग रहा हो तुम्हें, इतने जा लग रही कहता ही बने रहा, लेकिन इतना इतना के वजह नौ डाम है डरो जो रोड भी बसा रहा हो तुम्हारे को, ठाकुर जी की सो भगवान की सो जी, नौ डरो ना अबे बिलाद दिन नहीं भाई, बिलाद दिन हो जाए फिर ना बस अपनी नाक को इलाज करवा जा, नाक को हैं दीदी के लाने एक अलग से बस्ती बनाई जावे, बस्ती एक कंट्री, कंट्री ये बनवा दो, एक देश ये अलग से बनवा दो, देश बनवाओ एक अलग से, इनके पास पैसा आ जाए देश बनवाए, देख लो नहीं हमारे पास नहीं है आपके पास, तो देश बनवाए भाई, ये तो पैसा नहीं है देश बनवा के लायक, देश चाहने का सुन, मैं तो एक टमटम लेने बढ़िया भाई, मैं बैठ के जाओ आराम से खुली हवा खाओ जितने चाहे जाओ। तो मम्मी ने सही तो कही ट्रैक्टर ले ले, ट्रैक्टर में तो घाम लगा, टमटम में नहीं लगत बढ़िया अच्छो, बिल्कुल सामने में चलत ना दचका लगत ना, ऊपर छत बनवा लीजो ट्रैक्टर। हां सही है, और का देखो वहाँ पे एक अंग्रेज है ना, ये अंग्रेज है, ये वहाँ पे खड़ा है पट्टी पे, तो मम्मी कह रही जो आदमी है कि जनी है औरत नीचे है आदमी ऊपर है, मम्मी कह रही जो ऊपर को है जनी है का। ये देखो कोई ड्रोन उड़ा रहा है यहाँ पे, आप कार चलाओ हम बाहर से ब्लॉग बना रहे, नहीं चला पा, सलोनी तुम चलाओ कार, साइकिल चला पा तो अच्छी, तुम कार चलाओ मैं बाहर से ब्लॉग बना, चालू चालू रोड है डर लगता है आदमी जैसे, हम भले हम धीरे ले जा रहे हैं, कौन वहाँ वाड़ो टेड़ो फिर है, तुम तो बहुत अच्छी चलाओ लेकिन का? नहीं अच्छी नहीं, हम तो धीरे धीरे एक तरफ ले, तुम बनाइयो बाहर से ना चला रहे हैं। ये गाड़ी इसलिए टंगी है कि यहाँ पे ये मोड़ है ना, मोड़ पे आराम से चलें लोग, इस वजह से दुर्घटना हो सकती है। हाँ ऐसी जैसी कार वो टंगी है, ऐसी खचाड़ा तुम्हारी कार हो जाएगी अगर एक्सीडेंट हुआ तो, समझे, इसलिए इसलिए मोटरसाइकिल भी इसीलिए टंगी है यहाँ पे, ऊपर टंगी थी। आज कम से कम हम 10 जगह उतरे हैंगे, कहे के हम अजीब छान लगा तो हम जल्दी उतर जाते। गाइस हम लोग आ चुके हैं घर पे, और मम्मी देखो दिया ले जा रही है बाहर रखने के लिए वहाँ पे देरी पर, और यहाँ देखो साधना कर रही है शाम की आरती। गाइस देखो घर पे आते ही साथ मुझे ये ट्रक सूट मिला है, ट्रैक सूट भेजा है अश्विनी भैया ने, सो थैंक यू सो मच। चलो करते हैं आज के ब्लॉग को खत्म, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल बनाए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो, सभी को राधे राधे। जाई तरफ से निकल जाओ ना, उल्टे काहे को जा रहा है, चलो अब चलो चलो, कहां से निकल जाओ, बस साइड से कहां निकलूं, तरफ से रोड नहीं है, देखिए तेजी से आने पड़े वो, अभी बंद कर लो वीडियो बनाने तुम लगी हो।